भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को, अन्यायी और भ्रष्टाचारी राज को मिटाने के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़कर और एक काले कानून को हटाने का काम किया, यानी ये सरकार केवल पूंजीपतियों के अलावा किसी के हित की काम नहीं कर रही। इस सरकार को हटाने के लिए इस क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। अधिकारी और कर्मचारी जिनका निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। चुनाव होना है और लालजी वर्मा यहाँ पर विधायक थे और विधायक बनने के बाद लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में वो अम्बेडकर नगर के सांसद बने। सीट खाली होने के बाद यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी जो है प्रत्याशी के तौर पर हैं। और हम यहाँ पर कटेरी विधानसभा में जो है टेकनपुर गाँव में है, जहाँ पर लालजी वर्मा जी जो यहाँ के सांसद है अकबरपुर के, वो यहाँ पर जो है जनसंपर्क जो करने आए थे। हम उनसे सीधा जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 5 दिन बाकी है यहाँ पर उपचुनाव होने में। सांसद जी स्वागत है आपका न्यूज टाइम नेशन में। 5 दिन बाकी है चुनाव में, क्या पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के जनता से हमारी अपील है आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को, अन्यायी और भ्रष्टाचारी राज को मिटाने के लिए जो सभी वर्गों को पीड़ा देने का काम कर रही है जब से सत्ता में आई, अभी छात्रों ने जिस तरह से लड़ाई लड़कर और एक काले कानून को हटाने का काम किया, उसी तरह से किसानों ने किसानों के खिलाफ लाया गया कानून हटवाने के लिए लड़ाई लड़ी। यानी ये सरकार केवल पूंजीपतियों के अलावा किसी के हित की काम नहीं कर रही। और उत्तर प्रदेश की सरकार 7.5 साल लगभग हुआ है, अंबेडकर नगर जिले में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो दिखाई पड़ता हो कि उन्होंने किया। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, आप इसी सड़क को देख लीजिए, अभी इसी के बगल आंतडीह में है, उस सड़क को जाएंगे तो आपको गड्ढा ही नजर आएगा। तो सारा जो विकास का काम है वो कुछ लोगों तक सीमित जा रहा। ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो महंगाई बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इस सरकार को हटाने के लिए इस क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। सांसद जी, ये वही विधानसभा जिससे आप विधायक थे और लोकसभा में आप सांसद बने, ये सीट खाली हुई, आपकी पत्नी यहाँ की जो विधानसभा उस पर जो है प्रत्याशी, कितना प्यार मिल रहा है और क्या कहें, क्योंकि आपने यहाँ पर काम किया है कटेरी विधानसभा। निश्चित रूप से कटेरी विधानसभा के लोगों ने हमें 2 बार MLA बनाया और 1 बार लोकसभा में पहुँचाया। ये कार्यकाल जो है हमारा, जो सीट रिक्त हुई है उसका कार्यकाल है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने महिला उम्मीदवार और हमारी धर्मपत्नी जो पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, 2 बार जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव जीतकर सदस्य बनी थी, उनको उम्मीदवार बनाया है। और हमें पूरा विश्वास है, जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। ये बात अलग है कि अधिकारी और कर्मचारी जिनका निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं और बार बार शिकायत के बावजूद भी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। वोटर स्लिप जो बांटी गई है उसमें जानबूझकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का ज़्यादातर नाम छोड़ने का काम किया, लेकिन इन सब हथकंडों के बाद भी जितना ही ये अत्याचार करेंगे, जनता उतना ही तेजी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। आप सांसद हैं, अभी आपने एक अपील यहाँ पर की है कि अगर जीत हासिल हुई तो हम जो है यहाँ पर तहसील जो है बनाएंगे कटेरी में, या तो अकबरपुर में इसको सिर्फ जोड़ देंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा था कि 2008 में उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मैं भी उसमें मंत्री था। उस समय नई तहसील के सृजन की कार्रवाई हुई। पहले जो गजट जारी हुआ उसमें कटेरी को तहसील बनाया गया था।
और जब कटेहरी को तहसील बनाया गया तो अकबरपुर का वो क्षेत्र जो कटेहरी विधानसभा में शामिल था उन सबको कटेहरी तहसील में जोड़ दिया। कटेहरी तहसील बन गई। कटेहरी यहाँ से नज़दीक भी था और पूरे क्षेत्र के बीच में था, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। बाद में श्री धर्मराज निषाद जी, उन्होंने परसू करके, जब उनको ये हुआ कि हमें यहाँ से नहीं लड़ना है, तो उन्होंने परसू करके उस कटेहरी को शिफ्ट करा लिया भीटी में, मुख्यालय भीटी में। और जब मुख्यालय भीटी में हुआ तो बहुत से क्षेत्र को, जो कटेहरी ब्लॉक का बड़ा हिस्सा था, उसकी दूरी जो यहाँ से अकबरपुर की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है, उसको 40 किलोमीटर करने का काम किया। और वो भी दोहरी मार पड़ी कि जिले तहसीलदार तहसील के लिए 40 किलोमीटर उल्टा जाए और फिर जिले के काम के लिए फिर से आओ। इसलिए इस क्षेत्र की जनता की मांग से हमने उन क्षेत्रों को जो अकबरपुर के नज़दीक था उसी समय उसको फिर से भीटी से निकाल कर अकबरपुर में जुड़वाया। लेकिन बहुत सा हिस्सा ऐसा रह गया जिसका, चूंकि हमें उस समय भौगोलिक जानकारी पूरी नहीं थी, बहुत सा हिस्सा ऐसा रह गया है जो अकबरपुर से नज़दीक है और जिनका ब्लॉक कटेहरी है। अब ब्लॉक कटेहरी है, तहसील भीटी हो जाती है, और कटेहरी और अकबरपुर दूरी जो कम है तो उल्टा जाना पड़ता है। तो ऐसे हिस्से के लोगों का जो कटेहरी ब्लॉक का हिस्सा है, उन सब का हमारा निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों से प्रयास के द्वारा, इनके से जन समर्थन लेकर, अगर आवश्यकता पड़ी तो कटेहरी नई तहसील बनेगी। अगर इन लोगों की सहमति होगी कि अकबरपुर ही रहे तो अकबरपुर तहसील में पूरा कटेहरी ब्लॉक का हर गांव जोड़ा जाए। सांसद जी, अभी आपने बताया कि चुनाव एकदम करीब है, 20 तारीख का चुनाव होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परसों आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाजवादियों का उत्साह होता है, उनकी जनसभा है एक जगह कटेहरी में। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।